खबरों की शुरुआत हम बड़ी खबरों से करते हैं। किस स्कूल के समूचे स्टाफ का रोका गया वेतन? आ इंडिया के खबरनामा की किस खबर का 12 घंटे में ही हुआ असर? अब बिजली विभाग में किस जांच को लेकर मचा हड़कंप? इंडियन प्रेस काउंसिल ने किससे किया जवाब तलब? सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। हज पर जाने वालों को 48 घंटे पहले पहुंचना होगा लखनऊ हज हाउस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दखल से 16 पीड़ितों को मिली 68 लाख की राहत राशि। चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी छलांग, सफल रहा ड्रोन से ब्लड बैंक पहुंचाने का ट्रायल। प्रसिद्धि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की समय सीमा हुई तय। लखीमपुर जिला सहकारी बैंक के प्रशासक बने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह। लखनऊ मंडल आयुक्त ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए थपथपाई सीडीओ लखीमपुर की पीठ। पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। अब यूपी के सभी डिग्री कॉलेजों में भी शिक्षकों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। यूपी के विद्युत निगमों में बिजली बिलों को लेकर बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। बिलों में हेराफेरी की वजह से हर साल करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है। वहीं इस गड़बड़ी से एक तरफ बकाया बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उपभोक्ता भी परेशान है। एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद अब पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विद्युत निगम करीब 1 लाख करोड़ के घाटे में चल रहे विद्युत वितरण निगम का उपभोक्ताओं पर करीब 60,452 करोड़ रुपया बकाया है। इस वसूली के लिए लगातार अभियान चलाने के बाद भी जब सार्थक परिणाम सामने नहीं आए तो इसकी जांच पड़ताल की गई। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वसूली में हो रही देरी की एक बड़ी वजह बिजली बिलों में गड़बड़ी है। अभियंता अपने फायदे के लिए निर्धारित टैरिफ के बजाय गलत टैरिफ तय करते हैं। जहां औद्योगिक बिल जारी करना है वहां वाणिज्यिक श्रेणी में बिल जारी कर रहे हैं। इस तरह के मामले हर निगम में सामने आ रहे हैं। अकेले मध्यांचल में एक माह के अंदर 28 मामले सामने आए हैं। ऐसे में कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को जांच के आदेश दिए हैं। बिजली अभियंताओं की कारगुजारी सामने आने के बाद अब इस आदेश से सभी विद्युत वितरण निगमों में हड़कंप जैसा मच गया है। अमेठी के बीएसए ने तिलोई ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल भिलाई कला में तैनात समस्त स्टाफ का वेतन रोकते हुए उनसे जवाब तलब किया है। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक समेत कई शिक्षकों के अनुपस्थित मिलने व बच्चों का शैक्षिक स्तर न्यून मिलने पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार अमेठी के बीएसए संगीता सिंह ने सुबह 10:50 पर कंपोजिट स्कूल भिलाई कला का निरीक्षण किया था। इस दौरान स्कूल का मुख्य द्वार बंद मिला तो प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर होने के बावजूद अनुपस्थित मिले। पंजीकृत 253 में से 122 बच्चे उपस्थित मिले। एमडीएम रजिस्टर में 1 मई से 8 तक प्रविष्ट अंकित नहीं मिले। शिक्षिका अमिता जायसवाल, शशि कुमारी सिंह, प्राची श्रीवास्तव व सरिता सिंह आकस्मिक अवकाश पर बताएंगी, लेकिन अवकाश आवेदन रजिस्टर पर अंकित नहीं मिला। मौजूदा शिक्षिका रजिया बानो, शिक्षक डायरी तो शिक्षा मित्र पल्लवी श्रीवास्तव व सुविता सिंह निपुण चाइल्ड ट्रेकर नहीं दिखा पाई। शैक्षणिक सामग्री भी सील पैक मिली। कक्षा 4 के छात्र राहुल निधि, कक्षा 6 की श्वेता व कक्षा 5 के छात्र राज गणित व हिंदी के सवालों का जवाब नहीं दे सके। शिक्षकों के गैर हाजिर रहने व बच्चों का शैक्षिक स्तर खराब मिलने पर सभी स्टाफ का वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद 16 पीड़ितों को 68 लाख की राहत राशि का भुगतान किया गया है। मामला यूपी के भदोही में 23 फरवरी 2019 को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का है। आयोग ने इस मामले में सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और पीड़ितों को राहत राशि न देने का लेकर भी सवाल किया था। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर आयोग ने राहत राशि देने का दोबारा आदेश जारी किया, जिसे सरकार ने मान लिया। इस
निर्णय के मुताबिक 12 मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए और 4 घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। मुस्लिम समाज के लिए पवित्र हज यात्रा पर जाने वालों को अपनी उड़ान के समय से 48 घंटे पहले अनिवार्य रूप से हज हाउस पहुंचना होगा, जबकि जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करवाएंगे उनके लिए यह समय सीमा 48 घंटे से कम 24 घंटे होगी। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा की अध्यक्षता में इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में हज यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इस बार हज यात्रा के लिए 21 मई से 6 जून तक हवाई उड़ानों का समय तय है। प्रदेश के 40 जिलों के 11,519 हज यात्री लखनऊ पहुंचकर हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। जानकारी दी गई कि हज हाउस में एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा जिसकी क्षमता 12 बेड होगी। अस्पताल में 15 मई से जरूरी टीके लगाए जाएंगे जिसके लिए 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। इसी अस्थायी अस्पताल में टीकाकरण के साथ ही हेल्थ कार्ड बनाने की भी सुविधा दी जाएगी। हज यात्रियों के हज हाउस जाने वाले दिन ही अस्थायी अस्पताल के सामने सऊदी एयरलाइंस का कैंप लगाया जाएगा, जहां पर हज यात्रियों के सामान का वजन और टैगिंग के बाद सारा सामान सऊदी एयरलाइंस की निगरानी में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा पहुंचाया जाएगा। हज यात्रा केवल हैंडबैग लेकर बसों से एयरपोर्ट पर भेजे जाएंगे। कोरोना काल में दुर्गम इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन का प्रयोग सफल रहने के बाद अब भारत के चिकित्सा जगत के लिए बड़ी खबर है कि ड्रोन के जरिए ब्लड पहुंचाने का ट्रायल भी सफल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी आई ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन के जरिए ब्लड बैंक पहुंचाने का सफल परीक्षण कर लिया है। आपात स्थिति में ब्लड की आवश्यकता होने के मामलों में यह पहल मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ड्रोन के जरिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ब्लड को आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। अब वैज्ञानिक ड्रोन के जरिए चिकित्सीय उपकरण और दूसरे जरूरी सामान भी आपात स्थिति वाली जगहों तक पहुंचाने की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किए जाने के मामले में भारतीय प्रेस काउंसिल ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। बताते चले कि पंजाब पुलिस ने 5 मई को एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर भावना किशोर और उनके 2 सहयोगियों को एक कार्यक्रम की कवरेज के दौरान लुधियाना से गिरफ्तार किया था। प्रेस काउंसिल की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने इसे पत्रकार के तौर पर अपना काम करने से रोकने का मामला पाते हुए पंजाब के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। इस नोटिस में मामले को प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा कहा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा 30 सितंबर तय कर दी है। शासन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस बारे में प्रदेश के सभी डीएम, सीडीओ आदि को निर्देश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में केंद्र से आए निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में विद्यालयों को सभी 19 बुनियादी सुविधाओं से लैस कर दिया जाए। इस निर्देश के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी जिलों के बीएसए और एबीएसए को अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में सुविधाओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। बताते चले कि प्रदेश सरकार वर्ष 2018 के जून महीने से विद्यालयों का कायाकल्प करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चला रही है। इसी के तहत यह 19 सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध कराई जानी है। इन सुविधाओं में प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वच्छ पेयजल, समरसेबल, मोटर व टैंक के साथ पाइप से पानी के कनेक्शन, बालक व बालिकाओं के लिए नल जल आपूर्ति युक्त और टाइल्स लगे अलग अलग शौचालय व मूत्रालय, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, पर्याप्त संख्या में हैंड वॉशिंग यूनिट, रंगाई पुताई के साथ रसोई घर की उपलब्धता शामिल है। प्रत्येक कक्षा कक्ष में टाइल्स लगाने, उनमें ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड और बच्चों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता आदि भी शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने से वंचित किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश की योगी सरकार अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 22 मई से 10 जून तक चलेगा। मौजूदा वक्त में प्रदेश के 2,83,10,177 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना की निगरानी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कर रहे हैं।
इस अभियान में 22 मई से 10 जून के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस अभियान का नाम पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान रखा गया है। दूसरी तरफ सीतापुर जिले के कृषि उप निदेशक डॉक्टर एस के सिंह ने बताया कि जिले में पंजीकृत 6,64,692 किसानों में से 5,44,590 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 42,220 किसान अभी लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं। इन सभी वंचित पात्र किसानों को योजना का लाभ पहुंचाए जाने के लिए शासन के निर्देशन पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वृहद ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों का 22 मई से 16 जून के बाद आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के दौरान ऐसे किसान जिनको किसी कारण से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको योजना में शामिल करते हुए वरासत से जुड़े नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा। अब यूपी के विश्वविद्यालयों के सभी डिग्री कॉलेजों में भी शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से लगेगी। इस नई व्यवस्था को नए शिक्षा सत्र से लागू करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एडेड डिग्री कॉलेजों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा सभी राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को अपने अपने विद्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि अब नए सत्र से रजिस्टर पर हाजिरी नहीं दर्ज कराई जाएगी। बात बड़ी हास्यास्पद है कि यूपी रोडवेज के सीतापुर डिपो में डिपो से बाहर बसों को सड़क पर लगाकर सवारी भरने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। यह बात हास्यास्पद इसलिए है कि सड़क पर जाम लगने के चलते यह आदेश कम से कम 100 बार जारी किया जा चुका है। यही नहीं, सीतापुर डिपो के पूर्वी गेट पर जहां पर यह समस्या विकराल है, वहां पर हनुमान मंदिर के बगल में बाकायदा एक चेतावनी बोर्ड भी अरसे से लगा हुआ है, जिस पर कुछ यही चेतावनी साफ शब्दों में दर्ज है। आदेश जारी होता है, थोड़ी देर पालन होता है और मिनटों से लेकर घंटों में ही लखीमपुर और लखनऊ बीच सड़क पर होने लग जाता है। इसके चलते सीतापुर बस अड्डे के जाम की समस्या अंतहीन बनी हुई है। फिलहाल इस बार सीतापुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बस अड्डा परिसर में ही सवारियां बैठाए जाने का आदेश जारी किया है। नाफरमानी करने वाले चालकों परिचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग से यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने भी सड़क पर सवारियां भरने वाली बसों पर चालान की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी जारी कर दी है। अब इन चेतावनियों का मनमानी के आदि हो चुके रोडवेज के चालक परिचालकों पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के सीतापुर जिला अध्यक्ष पंकज पांडे द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 12 मई को अग्रवाल इंटर कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि लखनऊ शिक्षक खंड के MLC और माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश द्विवेदी होंगे। MLC द्विवेदी को विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति का सभापति और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए जाने के उपरांत उनका यह जिले में पहला आगमन है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। कानपुर बार एसोसिएशन लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किए गए आंदोलन व अधिवक्ता प्रादेशिक सम्मेलन में सीतापुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके क्रम में कानपुर बार एसोसिएशन कानपुर द्वारा जनपद सीतापुर बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता व महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं को सीतापुर बार एसोसिएशन के नाम से प्रशस्ति पत्र व अंगवस देकर पंडित पृथ्वीनाथ चक्र अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया गया। इस दौरान कानपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश चंद त्रिपाठी व लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने सभी का आभार जताया। बिस्वा लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष राजकिशोर यादव की अगुवाई में महमूदाबाद के अधिवक्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन
उप जिला अधिकारी बिस्वा पीएल मौर्या को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एसडीएम महमूदाबाद एवं पुलिस प्रशासन राजस्व कर्मियों का अवैध रूप से साथ दे रहे हैं। इस कारण बिस्वा लायर्स एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण उप जिला अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी महमूदाबाद की और घोर निंदा करते हैं। मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र का रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही के साथ ही महमूदाबाद एसडीएम एवं कोतवाली प्रभारी का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए। इस दौरान महासचिव इंद्रपाल वर्मा, संतोष कठेरिया, रजनीश मिश्रा, नई मंसारी, सुशील शुक्ला, वीरेन शुक्ला, अनमोल मौर्य, प्रमोद यादव, विपिन यादव आदि मौजूद रहे। सीतापुर के जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नव युवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना संचालित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नव युवक, नव युवतियाँ व परंपरागत कारीगर जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, वह अपने गांव में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर हासिल कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को परियोजना लागत का 10% एवं सामान्य महिला अथवा किसी भी आरक्षित वर्ग के पुरुष या महिला आवेदक को परियोजना लागत का 5% निजी अंशदान लगाना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदक की को टर्म लोन का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, जबकि सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को टर्म लोन पर 4% न्यूनतम वार्षिक दर पर ऋण देय होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमरा नंबर 126, 127 विकास भवन सीतापुर से संपर्क भी कर सकते हैं। सिदौली बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा बार अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव और महामंत्री मुनेन्द्र सिंह के नेतृत्व में डीएम और एसपी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से दिया गया। इस ज्ञापन में महमूदाबाद तहसील के वकीलों और राजस्व निरीक्षक के मध्य हुए विवादों में वकीलों की तरफ से हुए मुकदमा दर्ज किए जाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा संयुक्त मंत्री सुखलेश सिंह राजवंशी, संजय सिंह, संजय दीक्षित, नीलकमल मिश्रा के द्वारा सिधौली बार एसोसिएशन का एक समर्थन पत्र महमूदाबाद लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को महमूदाबाद जाकर दिया गया। निकाय चुनाव के प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण और जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद प्रजापति ने बताया कि तैनात मतगणना में तैनात कार्मिकों के प्रशिक्षण से 10 मतगणना पर्यवेक्षक, 25 मतगणना सहायक और 4 अतिरिक्त मतगणना सहायक अनुपस्थित रहे। इन सभी के विभागाध्यक्षों को संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। 13 मई को निकाय चुनाव के लिए पड़े मतों की मतगणना होनी है। इसे देखते हुए सीतापुर जिला अधिकारी अनु सिंह और पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान ने कई निकायों में भ्रमण कर मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस क्रम में डीएम और एसपी ने सीतापुर शहर के मतगणना स्थल गल्ला मंडी, मिश्री के मतगणना स्थल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और महोली के मतगणना स्थल कृषक इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 13 मई को निकाय निर्वाचन की मतगणना को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मिश्रिक के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। प्रेक्षक ने इस दौरान मतगणना स्थल पर की जा रही बैरिकेटिंग सहित मतगणना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रेक्षक ने इसके अलावा सीतापुर, सिधौली, खैराबाद, हरगांव, मोहली में भी मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। मतगणना के लिए लगाए गए सभी टेबलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए एवं पूरी मतगणना की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने को कहा। प्रत्येक मतगणना स्थल पर मेडिकल टीम के साथ डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रेक्षक से पूर्व डीएम अनु सिंह और एसपी गुले सुशील चंद्रभान ने भी मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का जायजा लिया था। इस दौरान एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी, सीओ सुशील कुमार यादव, कोतवाल जितेंद्र ओझा आदि मौजूद रहे। इस साल की बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में यूपी टॉप करने वाली महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी को सम्मानित करने के लिए लहरपुर तहसील सभागार में मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को एसडीएम अनुपम मिश्रा, न्याय अधिकारी कुणाल कुल भास्कर, सीता इंटर कॉलेज के प्राचार्य रमेश वाजपेयी और कार्यक्रम आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रियांशी सोनी के यूपी टॉप और टॉप 20 में से जिले के 14 विद्यार्थियों को स्थान मिलने के जिले के लिए गौरव का विषय बताया।
इस दौरान अतिथियों ने छात्रा प्रियांशी सोनी को प्रशस्ति पत्र, मेडल व बुके देकर सम्मानित किया। बिस्वा ब्लॉक के जहगीराबाद में सीतापुर आंख अस्पताल की निदेशक कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया और सीएमओ डॉक्टर वीके बर्नवाल के निर्देशन में एक निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय राम मनोहर श्रीवास्तव स्मारक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित शिविर में करीब 100 मरीजों की जांच कर चश्मा व दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान सर्जरी योग 30 मरीजों को सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। यह शिविर जनसेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में आंख अस्पताल की टीम में डॉक्टर कृतिका श्रीवास्तव, सिस्टर रोशनी वर्मा, कोमल बघेल, कोमल सिंह, मिथिलेश कुमार, मोनिका, आयोजक डॉक्टर विजेंद्र सिंह, दुर्गेश कुमार नेत्र रोगियों का परीक्षण और उपचार किया। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौर्य, सर्वेश मोहन श्रीवास्तव, आरएन सिंह, अशोक श्रीवास्तव, शशांक श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, रजत श्रीवास्तव, मौलाना नफीसुल हक मजाहरी आदि मौजूद रहे। आई इंडिया न्यूज चैनल पर खबरनामा में प्रसारित की गई एक खबर ने महज 12 घंटे में ही असर दिखा दिया। यह खबर कसबंडा ब्लॉक परिसर में सफाई व्यवस्था बदहाल होने को लेकर प्रसारित की गई थी। इस खबर में सवाल उठाया गया था कि इस ब्लॉक के वीडियो का प्रभार जिले के विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रजापति के पास होने के बावजूद ब्लॉक की सफाई व्यवस्था इतनी बदहाल है। खबर का असर इस तरह दिखा कि महज 12 घंटे बाद ही लगभग 4 दर्जन महिला पुरुष सफाई कर्मी ब्लॉक परिसर पहुंचकर युद्ध स्तर पर सफाई करने में जुट गए। मानदेय न मिल पाने से आक्रोशित स्वास्थ्य विभाग की आशा ने सीएससी हरगांव परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। हरगांव क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का आरोप है कि उन्हें फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। आशाओं की तरफ से डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी सीएससी के डॉक्टर शिवम गुप्ता को सौंपा गया है। आशा कार्यकर्ता का आरोप है कि हरगांव में कार्यरत बीसी पीएम अंशुल त्रिपाठी पैसों की मांग करते हैं। धरना प्रदर्शन में हरगांव क्षेत्र की 190 आशा कार्यकर्ताओं में से मोहसिना, प्रीति तिवारी, पूनम सिंह, रेणु देवी, कालिंद्री देवी, प्रभावती शिवपति, मनोरमा, अनीता सिंह, मोहनी मिश्रा, सीमा देवी, देवकी सहित कई आशा बहुएं शामिल रही। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए विनीत मनार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, सहायक आयुक्त एवं निबंधक प्रमोद कुमार शुक्ला के साथ बैंक कार्यालय का निरीक्षण किया। बैंक पहुंचने पर बैंक के सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी राहुल राज सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बैंक चेयरमैन कार्यालय में प्रशासक डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर बैंक की वित्तीय स्थिति, जमा व अन्य योजनाओं पर चर्चा की। लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ पीएम किसान योजना की समीक्षा की। इस दौरान डीडी कृषि योजना में वंचित पात्रों का किसानों का आंकड़ा जाना। नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि सभी वंचित पात्र किसानों को योजना से संतृप्त करते हुए लाभान्वित किया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि पीएम किसान संतृप्तिकरण अभियान के तहत 22 मई से 10 जून के मध्य जिले की सभी ग्राम पंचायतों में बैठकें कर किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाए। डीएम ने राजस्व कृषि पंचायत के क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित किया कि 22 से 10 जून के मध्य आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में खंड शिक्षा अधिकारियों, SRG और ARP की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नामांकन, उपस्थिति, कायाकल्प, संकुल बैठक, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और कक्षा शिक्षण में संदर्शिका आदि के उपयोग को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने की। बैठक के दौरान स्कूलों में बाला पेंटिंग्स के माध्यम से सीखने की व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए जनपद के 4 शिक्षकों को सम्मानित भी किया, जिनमें प्राथमिक विद्यालय भानपुर बिजुआ के कुलदीप सिंह, सविलियन विद्यालय मठिया निघासन के संदीप चौरसिया, सविलियन विद्यालय लखा अलीगंज की मीना कुमारी को विशेष उपलब्धि पर सम्मानित किया गया। BSA लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा कि सभी SRG ARP यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में संदर्शिका के अनुसार शिक्षण हो। बैठक में BEO डॉक्टर ब्रजेश त्रिपाठी, देवेश राय, GP गौतम, राकेश कुमार,
हृदय शंकर लाल, आशीष पांडे, पुष्पेंद्र जैन, रमेश चौधरी, अजय विक्रम सिंह, सुभाष चंद नागेन चौधरी, अखिलानंद राय, श्री राम, दिनेश चंद जोशी समेत सभी खंड शिक्षा अधिकारी, SRG व ARP मौजूद रहे। आयुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब ने सरकार द्वारा संचालित विकास परक एवं कल्याणकारी योजनाओं के निरीक्षण के उद्देश्य से विगत 19 अप्रैल 2023 को जनपद लखीमपुर खीरी का भ्रमण किया था। जिले में प्रवास के दौरान किए गए स्थलीय निरीक्षण के दौरान ग्राम्य विकास बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाएं ग्राम पनगी खुर्द में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ग्राम पंचायत जगसड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय, THR प्लांट, पेयजल परियोजना, हाट बाजार, अमृत सरोवरों के निर्माण, FDR तकनीक से निर्माणाधीन सड़क, गोवंश गो आश्रय स्थल प्रबंधन इत्यादि का स्थलीय निरीक्षण किया। इन सभी क्षेत्रों में हुए सराहनीय कार्यों को देखते हुए आयुक्त द्वारा मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह के प्रयासों एवं कार्यों की बहुत ही प्रशंसा और सराहना की। DM महेंद्र बहादुर सिंह को प्रेषित किए गए प्रशस्ति पत्र में आयुक्त रोशन जैकब ने विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित कर अधीनस्थों को उचित मार्गदर्शन देकर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए CDO को विशेष सराहना भी की। प्रशस्ति पत्र में आयुक्त ने कहा कि उन्हें आशा ही अपित पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहेंगे। कलेक्ट्रेट स्थित अपने चैंबर में DM महेंद्र बहादुर सिंह ने CDO अनिल कुमार सिंह को आयुक्त द्वारा प्रेषित किए गए प्रशस्ति पत्र को सौंपते हुए कहा कि इस जिले के अधिकारियों की हौसला अफजाई होगी और उन्हें भी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।